नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां क्राइम ब्रांच व नंदगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से बाइक चोर को दबोच लिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पकड़ा गया बाइक चोर सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी रविंद्र मौर्य है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर वाराणसी जनपद के कई स्थानों से बाइक चोरी कर नंबर प्लेट बदल कर बेच देते थे और आपस में मिलकर रुपए का बंटवारा करते थे। पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान सिहोई लाल पुलिया के पास 3 बाइक से 5 लोग आ रहे थे, पुलिस को देख भागने लगे, जिस पर एक बाइक गिर गई। पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ा। भागने वाले चोरों में बीरू यादव, पीयूष कन्नौजिया, धर्मेंद्र यादव, सुगन उर्फ अरुण राजभर हैं। पूछताछ में चोरी की 3 बाइकें बरामद की। पकड़ने वाली टीम में नंदगंज थाना अध्यक्ष विनीत राय, स्वाट टीम प्रभारी धर्मवीर सिंह, उप निरीक्षक विजय यादव, SSI संजय कुमार मिश्रा आदि शामिल थे। SP डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। अब देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। गाजीपुर में पिछले दिनों कुछ दोपहिया वाहनों की चोरी हुई थी, जिसके संबंध में स्वाट टीम और संबंधित थानों की टीम उसके अनावरण के लिए लगी हुई थी। इसमें थाना नंदगंज को और स्वाट टीम की सम्मिलित टीम को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें एक आदमी जो मूल रूप से सैदपुर का रहने वाला है, लेकिन सैदपुर, कोतवाली, नंदगंज इन क्षेत्रों में सक्रिय है, बल्कि उसके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिनमें 2 कनेक्ट हो गई हैं और दोनों वाराणसी की घटनाओं से संबंधित हैं। एक चोरी की घटना है और एक उसके अनुसार लूट की घटना है, जिसके संबंध में वाराणसी पुलिस से संपर्क करके उन्हें अवगत कराया जा रहा है। हम इसके जो बाकी 3 साथी और प्रकाश में आए हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि गाजीपुर की जो घटनाएं हैं चोरी की या लूट की, उनके संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी इनके माध्यम से मिलेगी। इनका मोडस ऑपरेंडी वहां से चोरी करके जनपद गाजीपुर से या अन्य जनपदों से वाहन चोरी करके, ये भी मालूम पड़ा कि उसके पुर्जे खोल कर एक दूसरे मोटरसाइकिल जोड़कर बना देते हैं, जिससे उनकी चिन्हीकरण में और अधिक समस्या होती है। ये नहीं मालूम पड़ पाता कि ये मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी हुई है। इस मोडस ऑपरेंडी की भी जानकारी मिली है, इस पर नज़र रखते हुए और अधिक से अधिक चोरी की गाड़ियाँ बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, ऐसे में पुलिस विभाग के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे अपराधियों को हमेशा पकड़ा जा रहा है, लेकिन क्या ये नया गैंग है या मतलब किसी पुराने गैंग से ताल्लुकात रखने वाले? अभी तक जो जनपद में उपलब्ध आंकड़े हैं उसके हिसाब से नया गैंग है, लेकिन हम बनारस पुलिस के संपर्क में हैं। हो सकता है कि वहाँ पर पहले कभी ये प्रकाश में आए हों। अगर वहाँ प्रकाश में आए हैं तो वहाँ की पूछताछ के आधार पर जो घटनाएं इन्होंने कबूल की हैं उनका भी परीक्षण किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि जनपद गाजीपुर में जो चोरी की घटनाएं हुई हैं उनसे जोड़कर इन्हें देखा जाए। हमारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।